हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, परीक्षा आपका तय समय पे होगा और आपके पास अब टाइम नहीं है, और मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन रहे, 10 ही क्वेश्चन रहे, लेकिन उसमें एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाइए। अगले सेशन में मैं सोचूंगी कि थोड़ा समय निकालूं, बट मेरे पास समय नहीं रहता है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियोज बनाती हूं। एंड फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। दोस्तों, एमपी में जो वर्ग 2 का जो मेन एग्जाम है, उसका भी अगस्त में एग्जाम हो सकता है, तो उसके लिए भी फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है, तो टेंशन ना लीजिए। ये सभी वीडियोज जो है, जो भी मैं कराई हूँ, सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, परिभाषा है यह कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सर्वेगिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो कई बार ये परिभाषा रिपीट हो चुका है। तो ये परिभाषा है चार्ल्स सी भुजर का, एक परिभाषा पूछता भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को पियरे डी कुबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली है? तो दोस्तों, इसमें गुरु हनुमान को कुश्ती में मिला है, माइकल फरेरा को बिलियर्ड्स में मिला है, बट पीटी उषा को एथलेट्स में नहीं मिला है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, उसका जो मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस के सरमोर नामक स्थान पर पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का क्या नाम है? तो दोस्तों, प्रथम आधुनिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला था जेम्स कुनेली, अमेरिका का, जबकि प्राचीन ओलंपिक में कुरोबल एक धावक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक 1980 को छोड़कर सभी खेलों में पदक जीते हैं? तो वह देश है अमेरिका। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन से देश का दल रहता है? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि सबसे आगे यूनान रहता है ग्रीन, उसके बाद सबसे पीछे होता है आपका मेजबान देश, और बीच में सभी अल्फाबेट के अनुसार होते हैं, तो यहाँ पे यूनान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, तो मेरी लीला राव और नीलिमा घोष दोनों लिए थे, लेकिन यहाँ पे नीलिमा घोष को माना जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही ओलंपिक के रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, वह खिलाड़ी हैं मार्क स्पिंस, अमेरिका, ठीक है, वो है स्विमिंग यानी तैराकी में, अमेरिका के धावक है। 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में मार्क स्विट्ज ने 7 स्वर्ण पदक जीते, और इसका रिकॉर्ड, इनके 7 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड अमेरिका के ही माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग चीन में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किया। दोस्तों, जैसे कि माइकल फेल्प्स को मेडल विनिंग मशीन भी कहा जाता है, और माइकल फेल्प्स ने कुल 28 मेडल जीते हैं, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें से 2004 एथेंस ओलंपिक में उन्होंने 8 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक। उसके बाद 2008 में 8 पदक जीते, 8 स्वर्ण पदक जीते, यानी कि मार्क स्पिट्स जो 7 स्वर्ण पदक जीते थे, उनका रिकॉर्ड इन्होंने बीजिंग चीन 2008 ओलंपिक में तोड़ा। फिर 2012 लंदन में इन्होंने 6 पदक जीता, जिसमें 4 स्वर्ण 2 रजत। फिर 2016 रियो ओलंपिक में 6 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण 1 रजत इन्होंने जीता। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक
नौ स्वर्ण पदक सहित जीतने वाली जिमनास्ट खिलाड़ी का क्या नाम है? दोस्तों उसका नाम है लैरिसा लैटिनिना, रूस की है, जो पूरा 18 पदक जीती थी 1964 टोक्यो जापान में, और जिसमें से 9 स्वर्ण 5 रजत 4 कांस्य पदक जीती। आज भी इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला है ओलंपिक में, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 14 पदक और संयुक्त रूप से 4 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों मशाल जलाने की जो प्रथा है 1936 बर्लिन से शुरू हुआ, बट प्रथम महिला कौन है जो ओलंपिक मशाल 1968 में जलाई थी? तो उसका नाम है एनरिक्वेटा बासिलियो, या इसका पूरा नाम है नेमी एनरिक्वेटा बासिलो सोटेलो, जो मैक्सिको की महिला है जिन्होंने पहली बार मशाल से ज्वाला प्रज्वलित किया। नेक्स्ट है ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में अपोलो थे। दोस्तों प्राचीन ग्रीस में जो है जीयस देवता को आकाश देवता, सूर्य देवता को अपोलो देवता और समुद्र देवता को पोसिडियन कहा जाता था। तो प्राचीन ग्रीस में अपोलो क्या थे? सूर्य देवता थे। नेक्स्ट है ग्रीस में डिस्कस होती थी, तो डिस्कस क्या है? अभी भी वही चीज है, फेंकने वाली चीज है, थ्रोइंग इवेंट्स में आती है। नेक्स्ट है ग्रीस वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट है नवजात शिशु, दुर्बल शिशु को मरने के लिए माउंट टाइगेस पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। तो कहाँ पे होता था दोस्तों ऐसा? तो स्पार्टा में होता था, जहाँ पे दुर्बल और अपंग बच्चे, कमजोर बच्चे पैदा होते थे, तो माउंट टाइगेस पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के गोपनीय कोर में नामांकित किए जाते थे, तो उसका क्या नाम था? दोस्तों उसका नाम था क्रिप्टिया। नेक्स्ट है स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था, प्लेटेनिस्टास। स्पार्टा में दोस्तों क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगाग बोला जाता था, और क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के कर्ता धर्ता को पैरोनोमस बोला जाता था, और खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतियोगिताओं में सर्वप्रथम नग्न हो जाने वाले कौन थे? तो वह स्पार्टा वासी ही थे दोस्तों। नेक्स्ट है व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो रोम वासियों ने ही व्यायामशाला में तेल की कल्पना सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है रक्त स्त्राव को रोकने का सबसे कारगर तत्कालिक उपाय, जस्ट उपाय क्या है? तो चोट पर सीधा दबाव। नेक्स्ट है इनमें अधिक गंभीर क्या है? दबाव है कि अपघर्षण है कि मोच है? तो दोस्तों यहाँ पे मोच, जो लिगामेंट की चोट होती है, वो जो है सबसे गंभीर है। नेक्स्ट है दोस्तों किन्हीं में से कौन सी चोट की श्रेणी में आता है? तो एबर्जन भी आता है, विदारण भी आता है, यहाँ पे टेनिस एल्बो, कोहनी की कसकर, सूजन भी आता है। तो यहाँ पे टेनिस एल्बो दोस्तों नए खेल खेलने वाले या सही से न खेलने पर नौसिखिया खिलाड़ी में होता है, इसलिए ये नहीं आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे क ख दोनों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चाकू, उस्तरा, टूटे हुए शीशे जैसी तीक्ष्ण वस्तुओं के कारण लगे चोट को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कटा फटा चोट कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन मेरुदंडीय क्षति नहीं है? तो मेरुदंडों में भी भंग यानी कि हड्डियाँ टूट सकती हैं, स्थान भंग भ्रंश भी हो सकता है, डिस्क का अपने जगह से खिसक भी जाता है, तो ये सभी प्रक्रियाएं वहाँ पे हो सकती हैं, बट चीर फाड़ यहाँ पे क्षति नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों लू से ग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार आवश्यक है? उसको उसे कुछ देर तक धूप में से रखेंगे कि एक गिलास शीतल जल देंगे कि रोगी को घेर लेंगे? नहीं, ये तीनों नहीं होगा, रोगी को शीतल स्थान पर लिटा देंगे, ठीक है?
उसके बाद कुछ देर आराम होने के बाद ही उसको हम जल वगैरह कुछ भी देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, CPR का पूरा नाम क्या है? तो CPR का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससीटेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो CPR होता है, अगर अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको उसके वक्ष पे, छाती पे थपथपाया जाता है कम से कम 100 बार प्रति मिनट की दर से, जिससे डॉक्टर के ले जाने से पहले प्राथमिक चिकित्सा दिया जाता है। डायुरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक क्या है? तो दोस्तों, डायुरेटिक्स जो होता है उसको वेट रिड्यूसिंग ड्रग बोला जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये भार को कम करता है। कैसे करता है? जो ज़्यादा से ज़्यादा ये यूरिन बनाता है तो यहाँ क्या करता है, शरीर में किसकी मात्रा को बढ़ा देता है, यूरिन की यानी मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बाहर निकलता है 24 से 48 घंटे में, लगभग 35% भार कम कर देता है। यह भार से जुड़े खिलाड़ी जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, कबड्डी वाले ज़्यादा यूज करते हैं। और दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है एनाबोलिक स्टेरॉइड के साथ या उसके बाद इसका उपयोग होता है, जिससे कि पेशी के कॉर्ड्स या लुक्स दिखाई दे सके। और दोस्तों, जो डायुरेटिक्स होता है, इसके 3 उपयोग होते हैं। एक तो भार को कम करने के लिए किया जाता है, एक डोपिंग को छुपाने के लिए, क्योंकि इसके सेवन से यह नहीं पता चल पाता है कि खिलाड़ी ने कौन सा रसायन लिया है, और तीसरा है महिलाओं के मासिक धर्म के समय को प्रेरित करने के लिए। तीनों चीज़ें याद रखिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन न हो। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य की बांह में चालू उत्तोलक कौन सा है? उत्तोलक यानी लीवर। तो दोस्तों, जो मनुष्य की एक्सटेंशन ऑफ आर्म, तो चालू उत्तोलक आपका है यहाँ पे तृतीय श्रेणी का, यानी कि तृतीय प्रकार का उत्तोलक। यहाँ पे उत्तोलक में आपको याद रखिएगा दोस्तों, कि जो हमारा बांह है, अगर हम बांह को फैलाएंगे, एक्सटेंशन मूवमेंट करेंगे, उस कंडीशन में प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। जबकि बांह को मोड़ेंगे, आर्म फ्लेक्शन, तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। उत्तोलक का मैंने सूत्र बताया ही था दोस्तों, FAR312, यानी कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में जो है एक्सिस बीच में होगा, एंड सेकेंड में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होगा, थर्ड में फोर्स यानी बल बीच में होगा। नेक्स्ट है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है, और मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी, और स्नायुओं के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जस्ट अभी बताए हूँ, मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी स्कल बोलेगा तो पूरे हमारे चेहरे एंड क्रैनियल भाग जो होता है मस्तिष्क का, एंड हमारा हाइड बोन सब काउंट होता है, हमारे दोनों कान की हड्डियाँ, तो कुल कितनी होती हैं? 29 होती हैं। बट 29 दिया रहेगा तो 29 राइट होगा, 22 दिया रहेगा तो 22 राइट होगा। जब आपका क्रैनियल बोन बोलेगा तो 8 होगा, जिसमें से ये 29 हड्डियों में आपका क्रैनियल यानी खोपड़ी की हड्डियाँ 8, चेहरा 14, कान की 6 और हाइड बोन 1 सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है, कलाई में कितनी कार्पल अस्थियाँ होती है? याद रखिएगा, हमारी कलाई को कार्पल बोला जाता है, और हमारे टखने, पैर के टखने को टार्सल बोला जाता है। तो कलाई की कार्पल हड्डियाँ 8 होती हैं, ठीक है, जबकि पैर के टखने की टार्सल बोन बोलेगा तो वहाँ पे 7 ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुक्केबाज की मांसपेशियाँ यानी बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं दोस्तों? तो बॉक्सर मसल्स बोला जाता है सेरेटस एंटेरियर मसल्स को, एंड रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी को,
स्विमर मसल्स डेल्टॉइड एंड लैटिमस डोर्सी दोनों को, एंड थ्रोइंग मसल्स जो हमारे वक्ष या छाती पर होता है पेक्टोरलिस मेजर को कहते हैं, टेलर मसल्स सार्टोरियस मसल्स को कहते हैं, मलखम या राइडर मसल्स एरेक्टर मंगस को बोलते हैं, लिफ्टर मसल्स डेल्टॉइड मसल्स को बोलते हैं, कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को बोलते हैं, राइट क्लिम्बर मसल्स लैटिमस डोर्सी को बोलते हैं, एंड आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होता है दोस्तों, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ गर्दन का जोड़ उदाहरण है, तो दोस्तों गर्दन का जोड़ जो है वह धुराग्र संधि पिवट ज्वाइंट का उदाहरण है जो रोटेशन करती है। नेक्स्ट है समलंब यानी ट्रांसवर्स ट्रैपेजियस पेशियां सहायक होती है, तो गर्दन के पीछे होती है ये चौड़ी मांसपेशी होती है जो क्या करती है गर्दन को पीछे धकेलने में मदद करती है ट्रैपेजियम। नेक्स्ट है सीखने के प्रभाव का नियम किसने दिया, तो आप सबको पता है दोस्तों कि थर्नराइफ ने सीखने के नियम के अंतर्गत मुख्य नियम और गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम दिया हुआ है, तो यहाँ पे थर्नराइफ आपका राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एसआर थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का संबंध किसके साथ नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले स्टिमुलस फिर रिस्पॉन्स को माना है थर्नराइफ ने भी, मतलब एसआर थ्योरी तो थर्नराइफ का दिया हुआ है बट सभी के अंदर पावलोव के अंदर कोहलर के अंदर पहले स्टिमुलस होना चाहिए, मतलब पहले लक्ष्य होना चाहिए तब उसका रिस्पॉन्स होता है, जबकि स्किनर का इससे उल्टा है, इसके साथ नहीं है, उन्होंने आरएस थ्योरी दिया है पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। नेक्स्ट दोस्तों मनोविज्ञान आज किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों मनोविज्ञान को वर्तमान में पहले तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान, तो वर्तमान में इसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आया हुआ था, तो दोस्तों मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम उंड को, या व्यवहारिक मनोविज्ञान बोला जाएगा या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसी में कन्फ्यूजन मत होइएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ था TIIT में कि व्यवहारात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो यहाँ पे विलियम उंड आपका राइट हो जाएगा, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, और निश्चित या शुद्ध मनोविज्ञान का पूछेगा तो वाटसन, व्यवहारवाद व्यवहार का विज्ञान किसने कहा तो वाटसन। एंड दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन, और खेल मनोविज्ञान के पिता कोलमैन ग्रिफिथ, याद रखिएगा ये सभी चीजें। नेक्स्ट है किसी गेंद को कैच करने में आपका हाथ जानता है कि कब पकड़ना है, तो दोस्तों ये कैसे होता है, हमारे जो ब्रेन होता है मस्तिष्क होता है वहां से जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाती है कि पकड़ना है, तब हमारा अंग कार्य करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सहभागी पेशियां मस्तिष्क से अपवाही संकेत पा रही हैं। नेक्स्ट है शरीर आपदा यानी बॉडी डिजास्टर की स्थितियों के लिए सामना करो या भागो, फेस और रन अवे की स्थिति ग्रहण कर लेता है जब तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है तीन प्रकार में बांटा गया है, CNS, PNS, ANS। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आता है, और PNS में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें 31 जोड़े नाड़ियां आती हैं, 43 जोड़े नाड़ियां जो आती हैं जिसमें से 12 जोड़े नाड़ियां मस्तिष्क से कॉग्निटिव नाड़ी एंड 31 जोड़े नाड़ियां स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तीसरा होता है CNS, PNS, ANS। ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अपने आप कार्य करता है, इसमें किसी बाहरी चीज का ये नहीं होता है, तो जो शरीर में आंतरिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है यह जो है
जैसे कि शरीर के सभी आंतरिक अंगों जैसे कि पैंक्रियाज, स्टोमच, लीवर, इंसेस्टाइन, रक्तवाहिनियों की तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। यह मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसे कि हमारा ये दो प्रकार का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वह द्वंद्व प्रतिद्वंद यानी संकट के समय, उत्तेजना के समय और क्रोध के समय, विपत्ति के समय एक्टिव हो जाता है, विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार करता है। जैसे खतरा, भय, दुख, शोक आदि की स्थिति में कार्य करता है। इसका प्रभाव जैसे कि इस कंडीशन में नेत्र की पुतली फैल जाती है, लार का बनना बंद हो जाता है, पाचक एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना ज़्यादा निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाती है, उसर्जी अंगों की पेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। उसी के विपरीत होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परानुकंपी, जो इसके जस्ट विपरीत होता है। ये क्रोध, भय, दुख, शोक और विपत्ति के समय काम करता है, तो पैरासिंपैथेटिक आराम के समय आश्रयदाता जैसे कि प्रेम, खुशी, हर्ष, शांत एवं विश्रामदाता का प्रभाव होता है। तो परानुकंपी जो होता है नेत्र की पुतली सिकुड़ती है, पसीना के स्त्राव को कम करता है, लार ग्रंथियां के स्त्राव ज़्यादा होता है जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है, हृदय धड़कन को घटाता है, नॉर्मल करता है, श्वसन दर रक्तचाप को कम करता है आदि। तो यहाँ पे क्या है कि फेस करना है किसी चीज़ को, विपत्ति का सामना है, तो यहाँ पे कौन सा एक्टिव रहेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसंवेदी यानी कि सिंपैथेटिक। नेक्स्ट दोस्तों संवेग यानी मोमेंटम को परिभाषित करते हैं। तो संवेग यानी मोमेंटम एक प्रकार का भावना होता है, बट यहाँ पे राइट आंसर वो दिया है क्षोभ के रूप में। जैसे कि संवेग क्या है, एक अंदर से जो भावना उत्पन्न होता है, दुख, सुख, क्रोध, जिस किसी के प्रति प्रेम, ये सभी चीजें भावना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक की जाँच का अर्थ क्या है, तो उसका है कि माप की सुसंगति, कंपैटिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है उत्तम कार्यक्रम नियोजन की निम्न विशेषता है, दोस्तों इसे विशिष्टता भी होना चाहिए, सहयोगात्मकता भी होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों सही है, उसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं राइट होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन तीनों ऑप्शन सही रहेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व निम्न है, तो दोस्तों यहाँ भी पाठ्यक्रम में प्रगति होता है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं से, खाली समय का सदुपयोग भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बालकों द्वारा विद्यालय में क्रिया करने पर जो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्रित करके यह उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है किउलन हन्ना का। नेक्स्ट है आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है, तो बाल शिविर, वृद्ध शिविर, किशोर शिविर है बट वार्षिक शिविर नहीं है। नेक्स्ट है ई के फैक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। वहीं पे एडगर जी जॉनसन ने तथा रोलैंड सी फ्रांस ने पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं, तो इन्होंने 9 बताए हैं। ये पूछता नहीं है बट इसमें दे दिया है तो मैं करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट है जॉन वी वाटसन ने सीखने के किस सिद्धांत की खोज की है, तो इन्होंने परीक्षण और सिद्धांत की खोज किया। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता में से कौन था, तो व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्मदाता अभी मैं जस्ट बताई हूँ, जेबी वाटसन है। एंड नेक्स्ट है वह ओलंपिक का कौन सा मेजबान देश है जिसने मेजबानी में कोई स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हुआ, तो वह था दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा 1976। तो ये था आज के सेशन में 51 एमसीक्यू क्वेश्चंस।
आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, हम सब मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी ये सभी वीडियोज पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए।